गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम लोग बात करने जाएंगे जिस कंट्री के बारे में, हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग हर रोज़ का एक अलग अलग कंट्री का विस्तृत इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको चयन करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके रिगार्ड में आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है बेलारूस। बेलारूस के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको हम लोग देंगे, लेकिन सबसे पहली जो बात आएगी वो आएगी अपने लिए कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? यस, कंपैरिजन ऑफ व्हाट? सी, यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करके कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कौन सा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बहुत बड़ा है, कौन सा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बहुत छोटा है, किसका कितना हॉस्पिटल है, इट्स नॉट अ फर्स्ट रिक्वायर्ड थिंग। कैसा हॉस्टल है, ये सब चीज़ें नहीं जाननी आपको। एज ए इंडियन स्टूडेंट सबसे पहला अपना जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा FMG पासिंग रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। वो जितना बेहतर होगा अपने लिए उतना बेहतर है। हम लोग बेलारूस में तो रहने वाले हैं नहीं, हम लोग रहने वाले किधर है? इंडिया में। तो इंडिया के अंदर FMG आप पास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो देखना है। मैं जो ये टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, कई लोग आपको ऐसा बताएंगे अभी कि भाई FMG तो अब ख़त्म हो चुका है, अभी तो नीट एग्जिट एग्जाम आ रहा है। सी, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम। MCA बोलो, FMG बोलो, NEET PG बोलो, या फिर आप नीट एग्जिट बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम। सी, ह्यूमन बॉडी आप जो स्टडी कर रहे हो वो हर एक में एक कॉमन ही रहने वाला है, उसमें कोई टॉपिक चेंज नहीं होने वाला है कि भाई हाथ ऐसा है तो उल्टा हो जाएगा, इट्स अ कॉमन थिंग। हाँ, पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा पैटर्न में, लेकिन वो उतना ज़्यादा बदलाव नहीं होगा बड़ा। तो सबसे पहला अपना जो लुकआउट रहता है कि FMG में कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और एज ए स्टूडेंट और पेरेंट्स आपका लक बहुत अच्छा है कि 2018 का लेटेस्ट रिलीज हुआ लिस्ट अभी अवेलेबल है वेबसाइट पे। अभी तक क्या हो रहा था, 2015 का लिस्ट दिखा के लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि ये यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इतना ऊपर है, इसका इतना ऊपर है। लेकिन अब जब कंपेरिजन कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट ओवर देयर। कुछ कुछ जगह पे नई यूनिवर्सिटी के होने के बावजूद भी 30% का रेशियो दिखाता है, कुछ जगह पे एकदम पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी 25% का नीचे गिराव दिखा रहा है। सो हम लोग जस्ट वन बाय वन एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है विडबेस्क। विडबेस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो विडबेस्क सिटी में ही आया हुआ है। विडबेस का पॉपुलेशन करीबन 3,62,000 है, 3,62,000। और विडबेस का अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ तो 2014 का जो रिज़ल्ट था FMG का, उसके अंदर विडबेस का रिज़ल्ट था करीबन 26.2%, मीन्स काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट था। लेकिन अगर वही चीज़ मैं 2018 के अंदर डिस्कस करने जाऊँगा तो वो रिज़ल्ट है करीबन 5.74%। सीधा आप देख सकते हैं कितना नीचे गिरा हुआ है, 20.46% नीचे गिरा है। एंड इट्स अ रियलिटी। मैं जो भी डेटा पे बात कर रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा शक था कि मैं तो कुछ गलत डेटा तो एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर RTI भी लगाया हुआ है। मे भी शायद RTI मेरे को विद इन 15 दिन मिल जाएगी शायद, और आपको उसकी कॉपी चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसकी कॉपी भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। सो ये बात हुई है विडबेस की। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रोडनो की, ग्रोडनो की अगर बात करेंगे पॉपुलेशन की, 3,67,000 पॉपुलेशन है। उसका जो रिज़ल्ट था बिलो 20% था, तो 2014 के अंदर वो था 18.2%। और अभी जो 2018 का रिज़ल्ट आया हुआ है उस पर थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, उसका परसेंटेज है 2018 का 13.30%, मीन्स करीबन 5.07% नीचे गिरा हुआ है। और ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, गिरा तो है, डेफिनेटली गिरा है नीचे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गोमेल की, गोमेल आई थिंक साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, नॉर्थ में और यहाँ पे इतना सुनने को नहीं आता है, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ में थोड़ा ज़्यादा फेमस है। गोमेल का जो रिज़ल्ट था 20.5% था 2014 के अंदर,
और गोमेज की पॉपुलेशन की मैं बात करता हूँ तो 5,94,000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़िया है। और 2018 का अगर मैं रिज़ल्ट बोलूँगा तो 9.46% रिज़ल्ट है उसका, मीन्स करीबन करीबन 11.05% नीचे गिरा हुआ है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका आएगा बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मेन कैपिटल में आया हुआ यूनिवर्सिटी है, काफ़ी डिमांड में रहता है। उसका 2014 का जो रिज़ल्ट था 15% था, यस 15%। इवन बेलारूसियन का तो पॉपुलेशन भी काफ़ी बेहतर है, करीबन 19 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है, 19 से 20 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे, मेन कैपिटल होने के बावजूद, और सब फैसिलिटी वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे 2018 की, इट्स वेरी 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 सरप्राइजिंग, इट्स ओनली 3.35%, यानी कि 11.25% नीचे गिरा हुआ है। बातें सी, हर कोई अपनी एक प्रोडक्ट को, ये वीडियो देखने के बाद शायद बेलारूस जो लोग प्रमोट कर रहे होंगे वो लोग भी कुछ वीडियो बनाएंगे, वो उनका कुछ ना कुछ सी बिजनेस लेके बैठे हैं, उनका भी नीड है, उनका भी घर चलता है, तो वो लोग भी आपको उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलने को ट्राई करेंगे। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमको इंडिया में MBBS में एडमिशन नहीं मिला है तो हमको बाहर जाना पड़ रहा है एज़ पर एज़ इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। और इंडियन गवर्नमेंट रूल्स क्या बोलता है कि आपको इंडिया में आने के बाद FMG क्वालिफाइड करना है। अगर 3% या 5% बच्चा क्वालिफाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि जो भी दूसरे बच्चों की डिग्री है वो रद्दी के समान हो गई, वो डिग्री का कोई वैल्यूएशन नहीं है। और वो अगर प्रैक्टिस भी करेगा तो उसको सीधा पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि इट्स ए इलीगल, इट्स ए क्रिमिनल एक्टिविटी। विदाउट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आप अगर MBBS का प्रैक्टिस करने को ट्राई कर रहे हो तो इट्स ए क्राइम, और वो इंडिया की बात नहीं है, कोई भी कंट्री में आप नहीं कर सकते वो चीज़। तो FMG इट्स ए प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अवर एंड। कुछ लोग बोलेंगे हम लोग MBBS का तो वहाँ पे FMG का कोचिंग भी दिलवाते हैं, वो पिछले 5-6 साल से बोल रहे हैं वो लोग, तो आप ले देख लीजिए उनकी पेपर में ऐड जो है, न्यूज़पेपर की ऐड मंगवाइए आप न्यूज़पेपर वालों से, पिछले 10 साल की ऐड मंगवाइए, हर कोई लिख के दे रहा है अंदर कि MCI कोचिंग अवेलेबल। अगर यूनिवर्सिटी में आप MCI कोचिंग दे रहे हो, यूनिवर्सिटी में 6-6 महीने में फैकल्टी भेज रहे हो, आप उनको अगर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चा डिसक्वालीफाइड कहाँ से हो रहा है? सी देखिए, बच्चा कभी गलत है ऐसा एक ही तरफा हम लोग नहीं बोल सकते, होता क्या है कई बार फैकल्टी भी वहाँ पे नहीं होते, फैकल्टी का भी दिक्कत होता होगा शायद, कुछ भी होता होगा रीज़न। सो मेन चीज़ यही ध्यान रखना है आपको, आप जो भी कंट्री में जाइए, जो भी यूनिवर्सिटी में जाइए, लेकिन वहाँ से आने के बाद आपको MCI क्लियर करना ही करना है। दूसरी बात, कुछ लोग आपको बोलेंगे भाई MCI की ज़रूरत क्या, अगर आप US में जाके सेटल हो जाते हो तो आपको हम लोग USMLE का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर बेलारूस की कोई यूनिवर्सिटी है जो जर्मन काउंसिल से अप्रूव्ड है, डायट से अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे आप जर्मनी में जाके प्रैक्टिस कर पाते हो। सी, लालच बहुत बुरी बला है, अगर किसी के बहकावे में आ गए तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। जो यूनिवर्सिटी का बच्चा 3% 4% क्वालिफाइड हो रहा है MCA के अंदर, वो यूनिवर्सिटी का बच्चा आपको लगता है क्या कि USMLE क्रैक कर पाएगा, या तो फिर जर्मन लैंग्वेज क्रैक कर पाएगा? जर्मनी के अंदर अगर आपको जाना होगा तो जर्मनी का A1 A2 B1 B2 क्लियर करना पड़ेगा, C1 मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्लियर करना पड़ेगा, एज उसके बाद उसका जो फाउंडेशन टेस्ट है वो पास करेंगे तो जाके आपको PG में एडमिशन मिलेगा, और वो भी PG तो इंडिया में वैलिड नहीं है। अगर USMLE की बात करते हो तो USMLE के अंदर आप कहाँ से एंट्री लोगे, रोटेशन किस बेस पे करोगे वहाँ पे? सी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन है हमारे पास भी। हमारे ये वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको वन बाय वन एक एक चीज़ें नई नई जानने को मिलेगी। हम आपसे डिस्कस करेंगे USMLE के बारे में, विच इज़ द बेटर वे। सी USMLE बहुत अच्छा ऑप्शन है इंडियन डॉक्टर के लिए भी और अब्रॉड के डॉक्टर के लिए भी, लेकिन उसका प्रॉपर पाथ कोई खुल के बता नहीं रहा है।
सब लोग उसको छुपा के रख रहे हैं, और जो बता भी रहे हैं बहुत डिटेलिंग में बता रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें अंदर हाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ यूएसएमएल इवन का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज़ का प्राइसिंग है आपका 60,000 से 70,000 रुपया। उतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है आपको? मॉक टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो यूएस गवर्नमेंट का मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उसका उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता। उसके लिए मैं दूसरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँगा पर्टिकुलर फॉर द यूएसए, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, उसकी हिडन फैक्ट्स क्या है। तो अगर आपको MBBS की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जानकारी से जुड़े रहना है तो ये हमारा वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि दूसरे किसी की लाइफ बर्बाद ना हो। और ये अच्छा लगता है कोई भी चीज़ आपको, आप लाइक कर सकते हैं। जी काम एक ही है, लोग बच्चों को अंधेरे में लेके जो जा रहे हैं, हम लोग बच्चों को उजाले में लेके जाना चाहते हैं, और ये हमारा जो मुहिम है वो चलता रहेगा एंड तक। हर बार कुछ न कुछ नया और हिडन फैक्ट्स हम लेके आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक, एंड यू विल गेट द न्यू लेटेस्ट, सो मैनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वंस यू विल सब्सक्राइब इट। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक अपडेट आएगा कि भाई हमारा कोई नया वीडियो लॉन्च हुआ है, अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच यू एवरी टाइम। सो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।